Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. Okay, Duniyapur ka OST. मुझे ये नहीं समझ आ रहा इतना लेट OST को रिलीज क्यों किया. मतलब ये बहुत रिसेंट है, इन द कमिंग डेज. अभी लास्ट वीक के अंदर आई थिंक ये वाला जो फुल OST रिलीज हुआ है. लगता है कुछ अलग स्ट्रेटेजी इन्होंने रखी होगी कि हिंट्स तो आते रहते हैं पूरे सीरीज के थ्रू. सो मे बी उन्होंने उस हाइप के बाद में के लिए रखा हो. कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है पीछे. बाद में इसमें शुजा है इधर. Let's start scrolling. Yeah, volume. खेल हमेशा तुमने अच्छा खेला है. तुम्ही से सीखा ये सब. चोट वहां करो जहां सबसे ज्यादा तकलीफ होती है. कदम कदम पे आ गए आदम नहीं अंगारे. चिंगारियों की आबोताब है. लापता शराफत सालिम का यहाँ राज है. जुल्म चार सू फसाद है. इश्क भी जोश में खो रहा होश है. गर तुम्हें गुमशुदा है सभी. यहाँ होती बैठी है नदियाँ. यहाँ कट्टा चलाती है बंदियाँ. इंसान की जान की कीमत है खाओ. सुबह हो जाती है मृत्यु में हड्डियाँ. बनाना बनाना बोल गाने चल सारी दौर. रहम ना आसरा जिंदगी हाथ सा आटा को खा जाती बारा बोल. है सर भी नहीं के बंदे आंखें तो है पर अंधे. दौड़े रगों में इंतजार है. कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपना है. जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया वहीं इश्क होता फना है. के राह जुदा अगर हो गई ना समझ ना मैं बेवफा. ये गर्द जब उठती है तो बन जावे तूफानी. अंगार की ललकार है ये बिफरी जवानी. सच कहा तो क्या भला हम लू दिखाएंगे. दस्तूर ये दुनिया के है परसों की कहानी. आज तुम्हारी आंखें कुछ और बोल रही है. आंखें धोखा देती है. पूरा दुनिया पर धोखा है. डर से मत डरो. डर के करीब रहो. डर नहीं लगेगा. देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर. खतरनाक बहुत वायलेंस. बहुत ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स ओएसटी है ये. आई नो. एंड ऐसा ओएसटी आई डोंट थिंक सो हमने अभी तक देखा कभी भी नहीं. कभी भी नहीं भाई. एंड इवन शुजा हैदर का ये साइन. आई नो माइंड ब्लोन ना. वो आवाज उनकी लगी बट मुझे लगा ये शायद वो ना हो. मे बी अब जो सेकंड पार्ट होगा उसमें उनकी आवाज होगी. वही तो टर्न्स आउट असरार वो है जिन्होंने तो रैप किया है. वो उनकी आवाज थी. माय गॉड ये बहुत इम्पैक्टफुल था. मतलब ये दुनियापुर का एक्चुअली जो हमने टीजर्स देखा ना. नॉर्मली ऐसा होता है कि टीजर्स अगर थोड़े से क्या बोलते हैं जिस टाइप के भी टीजर्स हमेशा ओएसटी का कैटेगरी एक सा ही होता है जो है क्या शॉट्स थे.
मतलब वो स्पेसिफिकली वो जो एक्शन शूट किया है बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा यार। ये लोग को थोड़े बहुत बिहाइंड द सीन्स रिलीज करने चाहिए आफ्टर सीरीज, लोगों के लिए कितना एक्साइटिंग होगा ना, क्योंकि इतना वायलेंट और इतना यू नो जहाँ पे बहुत ट्वीक करना पड़े और मैनिपुलेट करना पड़े शॉट्स को, या बॉडी डबल यूज करने पड़े, फेक बॉडी यूज करने पड़े, या कुछ भी, ये यूजुअली हमने देखा ही नहीं है यहाँ सीरीज में। तो इसमें इतना सब कुछ है जो ये लोग बता सकते कि ये जो सिंपल सीन आप देख रहे हो इसके पीछे हमने क्या 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 किया है वैसा। एंड गॉड ओके, इसके अंदर हमें इन दोनों का लव एंगल भी दिखा, जो टीजर्स में थोड़े कंफ्यूज थे कि ये दोनों का सेटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ओके अभी इट इज क्लियर एंड ये दोनों की केमिस्ट्री वैसे काफी अच्छी लग रही है। इतने जब दोनों कैरेक्टर्स इतने ज्यादा बोल्ड होते हैं, आई थिंक केमिस्ट्री में बहुत नॉर्मली ऐसे दिखाते कि एक बहुत ज्यादा बोल्ड है एक थोड़ा सीधा सादा है, सीधी सादी है, लेकिन ये दोनों ही आई थिंक ये जो इसमें इट्स नॉट जस्ट केमिस्ट्री, उन लोगों का टशन ही है, वो टशन से उन लोगों का शुरू हुआ है, फिर बीच में उन लोगों ने जो कैरेक्टर को वो किया है, अब चाहे वो फेक वे से किया हो या जो भी वे से किया हो, किसी का गेम प्लान है कि क्या है, ये ओएसटी खुद ही में एक क्लाइमैक्स वाला म्यूजिक है। इट्स द क्लाइमैक्स जहाँ पे सबके ऐसे अलग अलग फेसेस दिख गए हो मानो, एंड अब गेम इज ऑन टाइप का जो होता है ना वो है ये ओएसटी, द रैप पार्ट, शुजा वाला पार्ट हम आई थिंक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। वो रैप आया क्या चल रहा है, ऊपर से रैप के साथ ही इनके सीन्स भी मैच कर रहे हैं, मतलब यू नो वो वही स्पीड में इनके सीन्स क्या बोले चेंज हो रहा है, फिर इतना ज्यादा वॉयलेंस, गन शॉट्स, और फिर कितने सारे तो वो गोली वाले शॉट्स इतने अमेजिंग थे, मतलब एक तो वो वाला जैसे याद ही आ रहा स्पेसिफिकली, लेकिन वो जब गोली मार दो कैसे गिरती है ब्राइड ना, और टीजर में जो था ये वापस देख के मुझे उतना ही शॉकिंग लगता है, क्योंकि लास्ट में हमने आई थिंक वो सीन के बारे में डिस्कस किया था। मजेदार यार, एक्चुअली लोगों को बिहाइंड द सीन थोड़ा बहुत रिलीज करना चाहिए कि लोगों को पता चले कितना मेहनत लगता है यार इसके पीछे, इसका पूरा म्यूजिक पाकिस्तान का, आई थिंक इट इज वन ऑफ अ काइंड ये वाले, क्योंकि हमने बहुत कम देखे अभी रिसेंट टाइम से, तो फिर भी आए हैं, लेकिन इतना ही कम्प्लीटली ऐसा लग रहा है कि एक ही जॉनर पे चल रहा है, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है सबके अंदर प्यार आ जाता है, इमोशंस बहुत ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन इसके अंदर असल में ज्यादातर वॉयलेंस है, मतलब ज्यादातर वो बदले वाला होता है ना, एग्रेशन है, एंड इमोशंस बहुत एक छोटा पार्ट है भाई। इसमें लव एंगल भी है तो बहुत, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, हाँ इट इज अ पार्ट उसका। जो मेन इन लोग ने जो सीरीज का थीम रखा है, जो एक वो जॉनर रखा है उन्होंने, उसी को ही पकड़ के पूरा किया है, सारे एक्टर्स उस हिसाब से लिए, सारे सीन्स एंड एवरीथिंग, यानी बुड्ढों को क्रीपी दिखाना बेस्ट चॉइस होती है। एंड रमशा एंड कुशाल, ओ गॉड, ये दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने वाली मुझे लग रहा है। कुशाल तो ऑलरेडी इतना हॉट दिख रहा है थ्रू आउट द सीन, इट्स लाइक ओके सूट्स यू, मतलब एज मच एज यू नो हम लोग कोई टाइम पे नहीं भी वायलेंस को उतना वो पसंद कर सके, बट जब एक्टर्स बहुत ही जस्टिफाइड वे से यू नो करते हैं एक्टिंग, यू जस्ट इवेंचुअली स्टार्ट लाइकिंग देम कि चल ठीक है ये एक्टर ने तो यहाँ पे जो प्रूव किया है खुद को, ऐसा इन्होंने कहीं और नहीं किया, या शायद कोई और उनके जैसा ना कर सके। बहुत मजेदार। एंड लाइक टीजर हमने देखा था ऐसे काफी टाइप के, ऐसे टाइप के शॉट्स, और हम उस टाइम भी शॉक हो गए थे, लेकिन आई थिंक ओएसटी में जितना अभी तक वो ऐसा लग रहा है कि ओके ओएसटी, मतलब ऐसा हम वो म्यूजिक की वजह से भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया, वैसा लग रहा है मतलब अंदर से ना वैसे हड्डी हाँ वो रश आ गया है कि ओ गॉड क्या चल रहा है, मतलब वो हम ऐसे थे कि चलो ओएसटी देखेंगे, वाह मुझे लगा ठीक है एज यूजुअल जैसा रहता है वैसे, फिर यहाँ पे जैसे स्टार्ट हुआ ओके स्पीड अप करना पड़ेगा दिमाग को भी, क्योंकि दिमाग रेडी नहीं था कि ठीक है ओएसटी ऐसे जाने वाला। एंड सीन्स सब इतने अच्छे से शूट किया, आई थिंक ग्रीन का हमेशा से एक चीज रहा है कि हमेशा वो एक स्टीरियोटाइप में नहीं जाता, जितने हमने इनके शोज का वो इतना एक्सप्लोर करता है, आई थिंक रिस्क टेकिंग पावर ये लोग जो डायरेक्टर्स को ले रहे हैं शोज के लिए, क्या उन डायरेक्टर्स के कोई और भी सीरीज है जो यू नो ऑफकोर्स दूसरे चैनल्स पे होंगे या कुछ ऐसा, ये डायरेक्टर्स को सबको वो फ्रीडम दे देते होंगे कि ठीक है हमें दूसरा, नॉर्मली ऐसा होता है कि तुम थोड़ा क्रेजी जा सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो, डायरेक्टर सब कुछ नहीं हो तो कैसे लाएंगे ना, टाइप ऑफ वो तो एक सेट ऑफ लोग होते ही है, तो आई थिंक वो इस चैनल का ये रहेगा कि ठीक है हम उनको यू नो जितना ज्यादा वो एक्सप्लोर करना चाहे वो कर सकते, बहुत फ्रेश और क्रिस्प जो एक होता है ना कि एकदम ताजा ताजा सा एक अलग ही स्टाइल है, अलग ही
पूरा ईच एंड एवरी थिंग है उसमें. ऐसा लगा हमने ग्रीन का जब हमने ग्रीन को जब एक्सप्लोर किया था फर्स्ट टाइम, हम जैसे क्रेजी हो गए थे वापस. आज वो वाला फील आ रहा है कि ओके इट इज सो डिफरेंट टू. हाँ बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, स्टे सेफ. टाटा, टेक केयर, सी यू.